नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अमेठी में जिला अस्पताल की फार्मेसी में तैनात कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां उल्टी सीधी दवा देकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बुखार आने पर डॉक्टर को दिखाने गए युवक को डॉक्टर ने दर्द और बुखार की दवा लिख दी और दवा खाने से युवक की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि युवक अमेठी कस्बे का रहने वाला है। लिखा गया था जिसकी वजह से हमें दूसरी दवा दे दी गई और खाने के उपरांत तो हमारी तबीयत और बिगड़ गई और इसी से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हमारे साथ और वो नीम की गोलियों की दवा हमको दे दिया गया। ऐसे में चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सूरज कुंड में हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के फरीदाबाद में होने के बावजूद फरीदाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम के संचालक किशन बजाज ने अस्पताल में स्थित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए हार्ट सेंटर पर एक बुजुर्ग के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और हार्ट सेंटर के डॉक्टर और मामले में सुनवाई नहीं कर रहे सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। विजय कुमार जी है, उसको हार्ट की शिकायत थी, एडमिट, उसको हार्ट सेंटर में लेके आए। डॉक्टर ने कहा कि इसको स्टेंट पड़ेगा। आश्रम में 2 दिन बाद फिर उसको लेके आए भाई, उसकी वही पोजीशन जो पहले थी, उन्होंने एक दिन के लिए फिर रख लिया कमल, फिर हमने स्टैंड डाल दिया। अब इससे आगे जब भी लेके आओगे आपका पैसा लगेगा, दोबारा भी पैसा लिए मेरे से। आश्रम में हम अगर हमारे बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? वो आते हैं हमारे सहारे, अगर हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो उनकी देख रेख नहीं होगी तो हम क्या करेंगे बताओ जी? तो यही तो करेंगे ना, आज उसके साथ है कल किसी और के साथ है, फिर क्या करेंगे हम ना? हम चंदा इकट्ठा करके पैसा लगाएं उसके बाद भी ठीक ना हो मरीज, क्या फायदा। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल से एक लापरवाही का मामला सामने आया है और जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन का अकाल दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन कई दिनों से नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमएस का कहना है कि कई बार डिमांड किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में खड़ा हूँ इस समय। हम रेबीज इंजेक्शन के लिए, एंटी एआरबी इंजेक्शन के लिए इनके इमरजेंसी कक्ष में गए तो उनके डॉक्टर हमको छोटी सी स्लिप में कह रहे हैं बाहर से खरीद के आइए, हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं माननीय सीएमएस साहब से मिलने आया, उनका जवाब ये है कि पिछले एक हफ्ते से मेरे पास नहीं है, आप बाहर से परचेज करके लाइए। सेम डायलॉग वो भी बोल रहे हैं कि मैं लगवा दूंगा। सर, काफ़ी दिनों से जो है रेबीज की कमी हो, वैक्सीन की कमी हो रही थी और उस बीच में लिखा पढ़ी भी करी गई, पत्राचार किया गया, पिछली बार मिला भी, जरूरत जितनी हमने डिमांड की थी उतना नहीं मिला और इधर भी लगातार पत्राचार जारी है, लेकिन लखनऊ से हेडक्वार्टर से कोई ऐसा संदेश नहीं आ रहा कि आप आकर के ले लीजिए। अभी उपलब्धता संभव तो वहाँ भी नहीं है, जैसे वहाँ से उपलब्ध होगी तो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। खबर अमेठी से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट में दो पक्षों की तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के थौरी गांव का मामला है। कौन लोगों ने मारा है? राजू और रामजी, रामराज और गणित के साधु शरण। मम्मी अगर छोड़ावल गए तो मऊ मारे लागे, बहन को मारे लागे, भाई गाय लेके आवत रहा वो को मारे लागे। कौन लोगों ने मारा? मारे हैं राजू और रामजी, राम
कामराज मारे हैं और दुर्पता उनका बिटिया छोटी और धनी साधु शरण अल्लाह से सब सलाह करके मारी हूँ। उनके लगे गए हैं कहीं राही चलत मर पाए तो बप्पा कहीं नुन मूंद लियो नरिया में तो हम कहा जाओ पूरा परिवार मूंद लियो जाए जाओ कहीं तो हम घर घर भीड़वा डारब। फरुखाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी थी। घायल होने के बाद दोनों बदमाशों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और 13 जुलाई को लखनऊ मेडिकल कॉलेज से रायबरेली पुलिस अभिरक्षा से दोनों बदमाश फरार हुए थे। जनपद फरुखाबाद के थाना फरुखाबाद की टीम के द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में दो फरार अभियुक्त जो कि अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के सदस्य हैं इनको अरेस्ट किया गया है। इनका नाम इंजमाम अली पुत्र पठान अली निवासी बड़ेगांव थाना सागरगंज जनपद जौनपुर और इरफान अली पुत्र वसीर खां जो कि जनपद उमरिया मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन दोनों के ऊपर लूट चोरी छिनेती इत्यादि के साथ साथ मुकदमे दोनों के ऊपर पंजीकृत हैं। गोंडा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है और दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया साथ ही हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया है। आज तो पुलिस ने चौकत और कन्नूर तेसरा दोनों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उनकी निशानदेही पर वो जो पार्टी जो चारपाई की पार्टी होती है जिससे इंतजार किया गया था सबके वो भी बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस संबंध में एक तीसरा अंत और है जिसकी संलिप्तता पाई गई थी जा रही है उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों सड़कों से लेकर गलियों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं आला अधिकारियों ने ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की। पहले की अपेक्षा चहल पहल तो ज्यादा रही लेकिन माहौल शांत रहा। सभी स्थानों पर ड्यूटी लगा दी गई है और पूर्व के सभी शुक्रवार की तरह आज भी व्यवस्थित तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जुम्मे की नमाज अता की जाए इसके लिए जगह जगह पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन कैमरे पब्लिक एड्रेस सिस्टम ड्रोन कैमरे और हमारे ऑफिसर्स का पर्यवेक्षण तो सभी आवश्यक चीज़ें कर ली गई हैं। हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और सिविल डिफेंस के लोग भी हैं पुलिस सेवा मित्र भी हैं तो एक कंसोलिडेटेड एफर्ट हमने किया है ताकि बेहतर वातावरण में सभी चीज़ें पूरी हो जाए। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां हत्या और गुंडा एक्ट के मामले में 10 सालों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एक हिस्ट्री सीटर है गुंडा भी है बदमाश भी है और ये हमारा वांछित भी है तथा ये 20,000 का इनामी बदमाश है। ये इसका नाम है दिनेश यादव सनाब बनवारी उर्फ जालिम सिंह ये नरवल का रहने वाला है। 2010 में इसने हत्या की थी तब से ये लगातार फरार चल रहा था। इसमें 20,000 का इनाम भी था और इसको जो है हमारी पुलिस ने गिरफ्तार करके इसमें सफलता प्राप्त की है। अमेठी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां घर के कमरे में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से हुई मृतक युवक की बेटे की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी में इलाज के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने इसकी सूचना तुरंत बांसी कोतवाली पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। और डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि बेहोशी की हालत में आनन फानन में लड़की को अस्पताल लाया गया। हम लोग ने बहुत प्रयास किए लेकिन लड़की की मौत हो गई। साधना नाम की लड़की है ये हमारे पास लाई गई थी लगभग
10 बजे के आसपास आई थी मेरे पास, और इंतजार वाले ने बताया कि उन्होंने चावल में रखा हुआ कोई जहर कुछ खाया है, इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में खाया हुआ था। मेरे पास लाई गई अर्धविक्षिप्त और लगभग बेहोश हालत में थी, पूरा प्रयास किया गया उनको बचाने का, लेकिन हम प्रयास में सफल नहीं हो पाए, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आशी थाना पुलिस को सूचना मिली लगभग 10:30 बजे कि किसी लड़की ने कुछ नशीला पदार्थ या जहर खा लिया है, तो वो सीएससी बासी ले जाया गया था, वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ खीरी में पौराणिक शिव मंदिर छोटी काशी गोला में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से आने वाले शिव भक्त कांवड़िया तीर्थ यात्रियों के स्वागत हेतु पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साथ ही पौराणिक शिव मंदिर में कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।